दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो एनपीएस का अकाउंट है उसमें हमने कितना पैसा जमा किया है और कितना हमें रिटर्न मिला है, और किस तरह से हर एक फाइनेंशियल ईयर में हमें किस तरह से कितना परसेंट रिटर्न जो है मिल रहा है, और कौन से पार्ट में हमने कितना पैसा जमा किया है उसका डिटेल्स को चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन में एनपीएस का जो ऑफिशियल ऐप है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया है। ये एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आसानी से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम इधर से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इधर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और आप अगर एक बार से ज़्यादा ये एप्लीकेशन को जो है यूज करेंगे आप, तो है ऑटोमेटिकली आपका प्रान नंबर जो है एंटर देखने को मिलेगा। तो हमारा जो प्रान नंबर है ऑलरेडी इधर दिख रहा है, एंटर किया हुआ है। उसके बाद नीचे जो पासवर्ड का बॉक्स है उसके अंदर आपको जो पासवर्ड या फिर आई पिन है उसको डाल के आपके एनपीएस के अकाउंट को लॉगिन करना है। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है कि कैसे जो है एनपीएस का आई पिन और पासवर्ड बनाया जाता है, तो इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख के पासवर्ड जो है बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पासवर्ड है उसको हम इधर से एंटर कर देते हैं, उसके बाद नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो एनपीएस का अकाउंट है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। उसके बाद टोटल आपका जो एनपीएस अकाउंट का वैल्यू है वो इधर आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आज का जो डेट है वो भी आपको इधर से देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका नाम और आपका प्रान नंबर भी इधर आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमारे पास जो है ऑलरेडी सिर्फ टायर वन अकाउंट में जो है हमने इन्वेस्टमेंट किया है और टायर टू में कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप टायर वन टायर टू दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है तो दोनों का अमाउंट भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। टायर वन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका बैलेंस दिखेगा, टायर टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इधर एसेट एलोकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी स्कीम के अंदर अपने पैसा लगाया है उसका जो डिटेल्स है आपको इधर से देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरा जो स्कीम नेम है वो है ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड स्कीम, तो इसके अंदर हमने पैसा लगा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है ई लिखा हुआ है, ई का मतलब होता है कि इक्विटी, यानी कि शेयर मार्केट में हमारा जो पैसा है 79.85% जो है पैसा हमारा टायर वन ई में लगा हुआ है, ई कैटेगरी में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड स्कीम जी, जी का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर हमने जो है 20.15% पैसा जो है हमारा लगा है, तो टोटल हमारा जो है 100% वैल्यू जो है इसके अंदर लग चुका है। उसके बाद इधर आपको ये जो ये लोगो देख रहे हैं इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर है इसमें हमें 79.85% जो है इधर पैसा लगे हैं, और जो इधर ऑरेंज में है वो हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर 20.15% पैसा जो है लगा हुआ है। उसके बाद इधर आपको होल्डिंग्स का अमाउंट भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पेंशन का फंड का नाम है, स्कीम का नाम है, वो इधर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर यूनिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो इक्विटी फंड में पैसा लगा है टोटल हमारा जो यूनिट है 645.2232, तो टोटल हमारा इतना यूनिट जो है हमारे होल्डिंग है। उसके बाद एक यूनिट का जो प्राइस है देख सकते हैं कि एनवी के अंदर आप देखेंगे कि 62.0111, तो ये जो है ये दोनों आप अगर इंटू करेंगे तो टोटल आपका इतना वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा हुआ है उसका यूनिट जो है देख सकते कि इतना यूनिट हमें मिला है, और उसका जो प्राइस है देख सकते कि 33.3322, तो इसको अगर इंटू करेंगे तो टोटल आपका इतना अमाउंट जो है हो जाएगा, और ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो टोटल आपको इतना अमाउंट जो है देखने को मिल जाएगा। तो हर एक दिन में जो है एनएबी का प्राइस जो है आपको इधर से अप डाउन होते हुए देखेगा, और इस एनएबी के थ्रू ही आपका जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट है अप डाउन होते रहता है। और जैसे ही अपने कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके एनपीएस के खाते में तो यूनिट जो है यूनिट आपका बढ़ जाता है, तो यूनिट आपको हर एक कंट्रीब्यूशन करने के बाद यूनिट बढ़ता है, और हर दिन मार्केट का जो क्लोजिंग होने के बाद आपके एनएबी का जो प्राइस है वो भी अपडेट होते रहते हैं। मार्केट प्राइस, मार्केट का जो कंडीशन है उसके हिसाब से एनएबी का प्राइस भी अपडेट
होते रहता है। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है कि एनपीएस के अकाउंट में किस तरह से आप जो है कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख के आप आसानी से आपके एनपीएस के खाते में जो है कंट्रीब्यूशन जमा कर सकता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि हमारे एनपीएस के खाते में हर एक जो फाइनेंशियल ईयर है तो किस तरह से हमें एवरेज रिटर्न हमें हर साल में मिल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए इधर आपको देखने को मिलेगा आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक ईयर के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करने से पहले टोटल आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 15.46% के हिसाब से हमें मिल रहा है, एवरेज जो वैल्यू इतना हमें मिल रहा है। तो चलिए आपको डिटेल्स में चेक करके दिखाते हैं कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से हमें रिटर्न मिला है। तो उसके लिए नीचे क्लिक ईयर का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर का आप चेक करना चाहते हैं आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलेक्ट ईयर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपको चेक करना है आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे 2021 के ऊपर चेक क्लिक करना है यानी कि चेक करना है कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद टायर वन टायर टू इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा टायर वन अकाउंट में ही इन्वेस्टमेंट है तो ऑलरेडी हम इधर से सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्वार्टर के ऊपर क्लिक करना है। क्वार्टर आपको जैसे पता है आपको चार क्वार्टर होता है हर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कौन से क्वार्टर का सिलेक्ट करना है चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरे साल का जो है रिटर्न आप इधर से देख सकते हैं। तो हमने ऑल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये जो 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 15.98% हमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आपको दूसरा कोई फाइनेंशियल ईयर के ऊपर मतलब चेक करना है तो क्या करेंगे, फिलहाल हम इधर से बैक करेंगे। बैक करने के बाद फिर से आरओआई के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ईयर के ऊपर क्लिक करके हम दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 2022-23 सिलेक्ट कर लेते हैं। उस 2022-23 हमने इधर से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो क्वार्टर है वो भी हमने ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो क्वार्टर हमने चेक किया था वो 15.98% था और अभी जो हमने 2022-23 का रिटर्न इन्वेस्टमेंट देख सकते कि 7.27% का रिटर्न हमें मिल रहा है, यानी कि इसमें हमें रिटर्न कम मिल रहा था लेकिन जो पहले हमने चेक किया था उसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो हर एक जो फाइनेंशियल ईयर है हर एक फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न आपको इस तरह से चेक कर सकता है। तो इस तरह से आप आपके एनपीएस के मोबाइल ऐप के थ्रू आपके एनपीएस का जो बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं और किस तरह से रिटर्न हमें कब कितना मिल रहा है वो भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।